दोस्तों आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। आईसीसी ने एक या दो नहीं बल्कि 9 मैचों के शेड्यूल में बदलाव कर दिया है। उसी के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं और यहां पूरा बताऊंगा कि कौन सा मैच कब कहां और किस तरीके से बदला गया है, किसके साथ कौन सा मैच शिफ्ट किया गया है। तो चलिए इसी पर बात करते हैं। आप देखना शुरू कर चुके हैं विकी क्रिकी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। तो दोस्तों शुरू करते हैं कि आईसीसी ने आखिरकार कौन से मैचों के शेड्यूल में बदलाव किया है। तो दोस्तों मैं यहाँ आपको दिखाता हूँ, सबसे पहला जो मैच है वो इंग्लैंड बनाम बांग्लादेश मैच है जो 10 अक्टूबर को खेला जाएगा। ये मैच धर्मशाला में होगा। इसमें बदलाव ये हुआ है कि ये पहले मैच डे नाइट होना था लेकिन अब डे मैच होगा जो भारतीय समय के अनुसार सुबह 10:30 बजे से शुरू होगा। जी हाँ, तो पहला बदलाव ये था। दूसरा बदलाव है श्रीलंका बनाम पाकिस्तान मैच गुरुवार 12 अक्टूबर को खेला जाना था, ये मैच अब मंगलवार 10 अक्टूबर को खेला जाएगा। यानी इस मैच को 2 दिन पहले प्रीपोन कर दिया है। जी हाँ दोस्तों तीसरा बदलाव इस शेड्यूल में ये हुआ है कि जो दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच बड़ा मैच था वो गुरुवार 12 अक्टूबर को खेला जाना था लेकिन अब इसको 13 अक्टूबर को आयोजित करना पड़ेगा। शेड्यूल में चौथा बदलाव हुआ है बांग्लादेश बनाम न्यूजीलैंड मैच को, ये मैच 14 अक्टूबर को खेला जाना था लेकिन अब इसको 13 अक्टूबर को आयोजित किया जाएगा और ये मैच डे नाइट होगा। पहले ये मैच दिन में खेला जाना था लेकिन अब इसको डे नाइट मैच करना पड़ा है। वहीं भारत बनाम पाकिस्तान मैच, जी हाँ ये बहुत बड़ा मैच था और इसको लेकर पहले ही खबर आ चुकी थी कि गुजरात में सिक्योरिटी रीजन होंगे, उस वजह से मैच को प्रीपोन किया जाएगा और ऐसा ही हुआ भी है। ये मैच 15 अक्टूबर को खेला जाना था लेकिन अब 14 अक्टूबर को खेला जाएगा। जो छठा बदलाव हुआ है वो हुआ है इंग्लैंड बनाम अफगानिस्तान मैच में, ये मैच अब 15 अक्टूबर को खेला जाएगा। उस दिन पहले इंडिया का मैच खेला जाना था, अब इसको पोस्टपोन कर दिया है एक दिन के लिए। जो पहले 14 अक्टूबर को था 15 अक्टूबर को खेला जाएगा। सातवां बदलाव है ऑस्ट्रेलिया बनाम बांग्लादेश मैच में, ये मैच पहले 12 नवम्बर को खेला जाना था अब 11 नवम्बर को खेला जाएगा। तो ये बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला है। उसी दिन हमको इंग्लैंड बनाम पाकिस्तान मैच भी देखने को मिलेगा। ये दोनों मैच पहले रविवार को डबल हेडर के तौर पर खेले जाने वाले थे लेकिन अब इनको शनिवार को कर दिया गया है क्योंकि 12 नवंबर को कोलकाता में सुरक्षा कारणों की वजह से मैच को पुलिस मुहैया नहीं हो पा रही थी, मैच के लिए सुरक्षा नहीं दी जा रही थी ऐसे, क्योंकि वहां काली पूजा का प्रोग्राम होगा तो ऐसे में मैच को एक दिन पहले आयोजित करने का फैसला किया है आईसीसी ने और बीसीसीआई ने। दोस्तों इंडिया का एक और मैच बदला गया है, वो है इंडिया बनाम नीदरलैंड मैच जो पहले शनिवार 11 नवंबर को खेला जाना था अब उसे 12 नवंबर को आयोजित करना पड़ेगा क्योंकि पहले ही शनिवार को डबल हेडर होगा तो फिर आईसीसी और बीसीसीआई ने मिलकर इसको 12 नवंबर को आयोजित करने का फैसला किया है। आप पूरा शेड्यूल यहां देख सकते हैं कि इस तरीके से बदलाव हुआ है। तो दोस्तों ये था बदले हुए 9 मैचों का शेड्यूल। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले एक और वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, जय हिंद।